का मुख्य समाचार खासकर बिहार से, शिक्षा जगत से और उत्तर प्रदेश से, साथ में कुछ नेशनल न्यूज भी। ऑनलाइन हाजिरी में हुई दिक्कत, तो एजेंसी पर 50,000 जुर्माना। बीपी ने 5,00,000 रुपए दंड की चेतावनी दी। सरकारी स्कूल 1 जुलाई से सुबह 9 बजे खुलेंगे, 3:15 तक चलेंगे। केंद्र से बिहार को नहीं मिले 4,991 करोड़। नीट जांच की आँच लखनऊ तक पहुंची। PGT 2 और IPS के पाठ्यक्रमों के प्रवेश पत्र जारी। 27 राज्यों पर मानसून मेहरबान। उत्तर पश्चिम भारत में 3 दिन भारी बारिश। सेमीफाइनल की जंग, भारत के निशाने पर इंग्लैंड और तीसरा फाइनल। प्रदेश में 1 जुलाई से आधार की तर्ज पर बनेगा किसान कार्ड। स्नातक में हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई अब अनिवार्य। स्कूलों का समय 1 जुलाई से 8 से 2 बजे तक लखनऊ से है। IPS और PGT 2 के प्रवेश पत्र जारी हुए प्रयागराज से। MTS के लिए आवेदन आज से प्रयागराज। ITI में प्रवेश के लिए विकल्प चुनने की छूट होगी। AKTU से संबद्ध कॉलेजों के छात्र AI पाइथन में इंटर्नशिप करेंगे। राज्य विश्वविद्यालय स्नातक में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई की अनिवार्य। सुखद, UP की दहलीज पर पहुंच गया मानसून। आधार के लिए स्कूली बच्चों के बनाए जाएंगे जन्म प्रमाण पत्र। परीक्षा समिति और BPSC को हलफनामा दायर करने का आदेश। ये थे कुछ मुख्य समाचार। यदि जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।